अदानी ग्रुप ने इसराइल के हाइफा पोर्ट का किया है अधिग्रहण। वर्तमान में सुर्खियों में चल रहे हैं अदानी ग्रुप, लेकिन नकारात्मक कारणों के कारण, क्योंकि उनके शेयर्स हो रहे हैं डाउन और इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। अब इतनी खराब स्थिति में अडानी ग्रुप को मिली है एक राहत की खबर, क्योंकि इसराइल के हाइफा पोर्ट का टेंडर मिला है अदानी ग्रुप को, इसके बजाय कि वो चाइना को मिलने वाला था। बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इसराइल के प्रधानमंत्री है, इन्होंने अदानी के ग्रुप को और साथ ही वहाँ की एक लोकल कंपनी गेडॉट को ये शेयर्स दिए हैं। बात करें अडानी ग्रुप की, तो इनको 70% कंपनी के शेयर्स मिले हैं, साथ ही गेडॉट को 30% कंपनी के शेयर्स मिले हैं। और इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इस पोर्ट को $1.2 बिलियन के प्राइस में अगले 30 सालों के लिए लीज पर ले लिया है। ये भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और चाइना को मात देना एक सच में बहुत बड़ी। साथ ही इस पोर्ट के माध्यम से इंडिया यूरोप और मेडिटेरियन ओशियन में बिजनेस कर पाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक और ये भी बात सामने आ रही है कि इसराइल के प्रधानमंत्री ने खुद अदानी को ये हैंडओवर किया था। और एक दूसरी खबर ये भी जाने कि इजिप्ट 26 जनवरी को इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी भी इंडिया में इनवाइट किए गए थे, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि इंडिया अगर चाहे तो स्वेज कैनाल के आसपास के लोकेशन की जगह बुक कर सकती है। अब रिसेंटली जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तो अडानी ग्रुप के शेयर्स डाउन होते जा रहे हैं, पर अडानी ने इसको कंपनी का फॉल्ट का रीज़न ना बताते हुए ये कहा है कि ये हमारे देश पर हमला है। साथ ही अडानी ग्रुप के शेयर्स डाउन होने के वजह से इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि ये पोर्ट का जो डिसीजन लिया गया था, वो भले ही हमें 31 जनवरी को दिखा, बट ये पोर्ट का लीज देने का डिसीजन जुलाई 2022 में ही फाइनल हो चुका था। मैंने इस इवेंट में कुछ अहम बातें कही हैं, जिनमें से पहली बात ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसराइल और हाइफा पोर्ट को आज़ादी दिलाने में इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा हाथ था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ये इंडियन ही इस पोर्ट को नए आयाम तक पहुंचाने में मदद कर रहा है, जो कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मित्र और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी का अनुरोध करता हूं। अदानी ने कहा कि मैं सिर्फ हाइफा में ही नहीं बल्कि इसराइल के और भी जगहों में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। साथ ही उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब भी तेल अवीव में स्थापित करने की घोषणा की है। आगे की अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। बने रहे गूंज लाइव के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।